अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है कि सब खैरियत से होंगे। दोस्तों आप देख रहे हैं टेक्निकल आकिब ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। दोस्तों आज की वीडियो जो है वो आपके लिए फिर से स्पेशल होने वाली है। जो वीडियो मैंने कल बनाई थी टिक टिक ऐप के ऊपर, उस पर मैंने फर्स्ट पार्ट में मैंने आपको सोर्स कोड एडिट करना सिखाया था। आज की वीडियो में आज हम इसका एडमिन पैनल जो है अपने सी पैनल पे होस्ट करेंगे। तो दोस्तों वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको बोलना चाहता हूँ कि अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को जरूर प्रेस करें, क्योंकि मेरी न्यू आने वाली वीडियो आपको मिल सके। तो दोस्तों सबसे पहले मैं माजरत करना चाहता हूँ कि मैंने बोला था कि मैं नेक्स्ट वीडियो जो है वो एक म्यूजिक ऐप के ऊपर लेके आऊंगा, लेकिन काफी दोस्तों के मैसेज आ रहे थे कि हम इसका एडमिन पैनल सबसे पहले क्लियर करवा दें, तो उसके बाद जो नेक्स्ट वीडियो आएगी वो आप म्यूजिक ऐप के ऊपर ले आए। तो दोस्तों सबसे पहले चलते हैं एप्लीकेशन की तरफ। मैं आपको एप्लीकेशन दिखा देता हूँ, ये टिक टिक एप्लीकेशन है। तो अगर हम इसका एडमिन पैनल चेक करते हैं तो ये इसका डेमो एडमिन पैनल है। चलिए उतनी देर में ओपन होता है, तो हम चलते हैं अपने सी पैनल की तरफ। सी पैनल पे आने के बाद हम थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल करते हैं और अपना सब डोमेन एक क्रिएट कर लेते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले हम अपना सब डोमेन क्रिएट कर लेते हैं। तो मैं यहाँ पे टिक टिक ही लिख लेता हूँ, सॉरी टिक टिक। उसके बाद हम इसको करते हैं क्रिएट। ये देखिए हमारा जो सब डोमेन है वो टिक टिक डॉट यूट्यूब SMM पैनल डॉट कॉम जो है वो ओपन हो चुका है, क्रिएट हो चुका है। तो दोस्तों मैं आपको एक और बात बताना चाहता हूँ कि अगर आपको मोनेटाइज चैनल चाहिए यूट्यूब का, वो आप मेरे से बाय कर सकते हैं, मेरे से कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। अगर किसी को वॉच टाइम चाहिए या सब्सक्राइबर चाहिए, रियल टाइम सब्सक्राइबर मिलेंगे आपको, 1000 सब्सक्राइबर $35 में मिलेंगे। अगर आपको चाहिए वॉच टाइम आप मेरे से कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। तो फाइल मैनेजर में आते हैं और पब्लिक HTML में आ जाना है अपने। उसके बाद आपको एक फोल्डर यहाँ पे मिलेगा टिक टिक का, जो हमने सब डोमेन क्रिएट किया होगा उसके नाम से टिक टिक का एक फोल्डर मिलेगा। इसके अंदर जो है हमने फाइल्स अपनी अपलोड करनी है, एडमिन पैनल और APIs की। सिलेक्ट फाइल, ये हमारी APIs है और एडमिन पैनल जो है वो भी हम यहाँ पे अपलोड कर लेते हैं। दोस्तों अगर ये आप मेरे से बनवाना चाहते हैं तो आप मेरे से व्हाट्सएप पे रابطہ कर सकते हैं, टेलीग्राम ग्रुप में भी कर सकते हैं अगर आपको ये सेम एप्लीकेशन बनवानी है। और अगर आपको होस्टिंग भी चाहिए होगी वो भी आप मेरे से बाय कर सकते हैं बहुत चीप प्राइस में। जैसे ही अपलोड होता है तो फिर हम नेक्स्ट जो अपना प्रोसीजर है वो स्टार्ट करेंगे। दोस्तों जो मेरा SMM पैनल है वो सिर्फ YouTube के लिए है, किसी और सोशल मीडिया के लिए नहीं है। आपको 1000 सब्सक्राइबर और 4000 घंटे का वॉच टाइम जो है वो आपको मेरे से मिल सकता है, आप मेरे से कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। क्योंकि मेरी कोई वेबसाइट नहीं है, अगर आपको चाहिए होगा तो आप मेरे ईमेल पे भी मेरे से कॉन्टेक्ट कर सकते हैं, व्हाट्सएप पे कर सकते हैं, टेलीग्राम ग्रुप में कर सकते हैं, मेरी ऑफिशियल वेबसाइट से मेरे से कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। तो फिर मैं आपको बता दूंगा कि क्या रेट है सब्सक्राइबर का, तो मैंने आपको रेट बता दिया है, वॉच टाइम का जो है वो मैं आपको बता दूंगा। रियल टाइम आपको वॉच टाइम मिलेगा, रियल टाइम जो आपको सब्सक्राइबर मिलेंगे। दोस्तों हमारा जो फाइल्स हैं वो अपलोड हो चुकी हैं, एक फाइल अपलोड हो चुकी है टिक टिक जिप के नाम से, तो इसको हम करते हैं अनजिप। ये देखिए हमने इसको कर दिया है
जी उसके बाद रीलोड करते हैं तो हमारा यहाँ पे एक न्यू फोल्डर आ जाएगा टिक टिक के नाम से। तो इसको हम सी ऑल करने के बाद मूव के ऊपर क्लिक करेंगे और हम इसको मेन फोल्डर के अंदर मूव कर देंगे। ये देखिए हमने इसको मूव कर दिया है मेन फोल्डर के अंदर। ये देखिए तो अभी हम चेक करते हैं कि हमारा जो डोमेन है वो ये देखिए दोस्तों हमारा जो एडमिन पैनल है वो लॉगिन होना स्टार्ट हो जाएगा। कुछ ही देर में आपका इंटरफेस इस तरीके से आना स्टार्ट हो जाएगा। तो क्योंकि इसको भी हम लॉगिन करेंगे तो नहीं होगा क्योंकि हमने अभी तक इसको डेटाबेस भी इसको क्रिएट नहीं किया और एडमिन पैनल को डेटाबेस के साथ लिंक भी नहीं किया। तो उसके लिए अभी हम पहले फाइल सारी अपलोड हो जाए, उसके बाद ये देखिए फाइल सारी अपलोड हो चुकी है, इसको हम करते हैं कैंसिल और इसको हम पब्लिक एचटीएमएल में जाते हैं वापस। टिक टिक एप्लीकेशन जो हमने क्रिएट की है और हम इसको करते हैं रीलोड। देखिए एपीएस जो है वो भी अपलोड हो चुके हैं। यहाँ पे हमने एक न्यू फोल्डर क्रिएट करना है एपीएस का और क्रिएट न्यू पे आपने क्लिक कर देना है। ये एपीएस जो है वो फोल्डर बन चुका है। उसके बाद आपने आना है टिक टिक पे, इसको एक्सट्रैक्ट करना है स्लैश एपीएस। अभी एपीएस पे जाके क्लिक करते हैं, हमारा फोल्डर जो है वो आ चुका है। अभी हम इसको मूव कर देते हैं। अपने एपीएस मेन फोल्डर में उसे देखिए आपने APS में आना है। उसके बाद कॉन्फ़िगर में आने कॉन्फ़िगर डॉट PHP पे आने के बाद आपने इसको करना है एडिट। एडिट करने के बाद आपने इसमें अपना डेटाबेस ऐड करना है। ये देखिए मैंने इसमें ओपन कर लिया है। तो सबसे पहले आपने क्या करना है, आपने अपने यहाँ पे डोमेन लिखना है जो आपने डोमेन, तो यहाँ से मैं अपने डोमेन कर लेता हूँ कॉपी और यहाँ पे लाके इसको हम कर देते हैं पेस्ट। तो हमारा जो डोमेन है वो पेस्ट हो चुका है। उसके बाद आपने अपने फायर बेस की जो की है वो यहाँ पे आपने इसको यहाँ पे पेस्ट करनी है। उसके बाद आपने सर्वर नेम जो है वो लोकल होस्ट ही रहने देना है। डेटाबेस हम इसका बनाते हैं, चलते हैं मेन सी पैनल की तरफ और SQL डेटाबेस हम क्रिएट करते हैं। यहाँ पे हम नेम लिख लेते हैं नेक्स्ट स्टेप क्लिक करते हैं। ये हमारा जो डेटाबेस का जो नेम है इसको हम करते हैं कॉपी। कॉपी करने के बाद वापस उस फाइल में चलते हैं और डेटाबेस की जगह पे हम डेटाबेस नेम की जगह पे उसको करते हैं पेस्ट। फिर हम अपनी मेन फाइल में आते हैं और यहाँ पे हम पासवर्ड को जनरेट करते हैं, इसको करते हैं कॉपी और इसको हम यूज करते हैं। फिर वापस चलते हैं, यहाँ पे हम अपना पासवर्ड जो है वो यहाँ पे चेंज करेंगे। उसके बाद अभी हमने देना है डेटाबेस का नेम, देना है यूजर नेम, तो वो एज ए यूट्यूब ही है। ये देखें ये जो है वो है डेटाबेस का यूजर नेम। दोस्तों आपने कोशिश यही करनी है कि आपका जो डेटाबेस आपने जो लिंक करना है अपने एडमिन पैनल के साथ वो बिल्कुल सही हो, आपका यूजर नेम पासवर्ड और डेटाबेस नेम बिल्कुल करेक्ट होना चाहिए। उसके बाद आपने फायरबेस की जो कीज है वो यहाँ पे आपने इंसर्ट कर देनी है। उसके बाद आपने इसमें कुछ भी नहीं करना और आपने सेव चेंजेस पे क्लिक करना है।
ओके। उसके बाद आपने इसको ऑल पे क्लिक करने के बाद आपने नेक्स्ट स्टेप करके क्लिक कर देना है। आपके जो डेटाबेस है वो क्रिएट हो चुके हैं। अभी हम अपना डेटाबेस के अंदर जो हमारी फाइल्स है डेटाबेस की वो हम ऐड करेंगे। आपने आना है पीएचपी माई एडमिन में आना है। उसके बाद जो आपने डेटाबेस सिलेक्ट किया होगा वो आपने ओपन कर लेना है और इंपोर्ट पे क्लिक करने के बाद आपको एक फाइल मिलेगी, एसक्यूएल की एक फाइल मिलेगी। वो भी आपको पीएचपी एपीएस फाइल के अंदर डेटाबेस का एक फोल्डर मिलेगा, उसमें आपको ये देखिए टिक टिक एसक्यूआई की एक फाइल मिलेगी, वो आपने इसमें इंपोर्ट कर देनी है और आने के बाद आपने इसको ग्रो कर देना है। सॉरी वो अपलोड हो रही है अभी। ये देखें दोस्तों हमारा जो डेटाबेस है वो इंपोर्ट हो चुका है। तो हमारा जो डेटाबेस का काम है वो भी एंड हो चुका है और जो सी पैनल के साथ हमने लिंक करना था वो भी खत्म हो चुका है, इसको भी हमने सेव कर दिया हुआ है। और अभी हम चलते हैं अपने एडमिन पैनल की तरफ, इसको हम लॉगिन करते हैं। इसका जो डिफॉल्ट लॉगिन एंड पासवर्ड है वो है admin@admin.com और पासवर्ड जो है 123456 और एंटर पे क्लिक कर देना है हमने। और ये देखें दोस्तों हमारा जो एडमिन पैनल है ये देखिए हमारे दोस्तों हमारा जो यूजर नेम है वो एडमिन पैनल जो है वो हमारा ओपन हो चुका है। ये देखें youtube.com ये मैंने डोमेन बनाया था। तो ये जो जितने भी डिफॉल्ट इसके अंदर ऐड है वो है, ये ऑल यूजर है, ऑल सॉन्ग, ऑल वीडियोस, चेंज योर पासवर्ड एंड लॉगिन। तो दोस्तों आपका जो एडमिन पैनल है वो रेडी हो चुका है। उसके बाद आपने एक और काम करना है, आपने अपने HTML में आना है। पब्लिक HTML में आने के बाद आपने जो फोल्डर आपने बनाया होगा आपने इसमें आना है और इसके अंदर भी जो आपको इतना कॉन्फिगर .php फाइल मिलेगी वो आपने एडिट करनी है। एडिट करने के बाद जो आपने डोमेन अपना बनाया होगा वो आपने यहाँ पे डोमेन एंटर कर देना है। तो दोस्तों यहाँ पे आप अपना नाम चेंज कर सकते हैं कि जो आपका नाम शो हो सामने। तो दोस्तों वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को भी प्रेस करें क्योंकि मेरी न्यू आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़। अपना ख्याल रखें।